विश्व में विभिन्न देशों के बीच संघर्ष और तनाव चल रहा है। कुछ देश सीधे युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं, तो कुछ के बीच युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं। ऐसे माहौल में दुनिया भर के देशों की प्राथमिकता अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसके लिए अधिकांश देश सैन्य हथियारों और रक्षा से जुड़ी योजनाओं पर काफी ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं। अभी हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, चीन, रूस और भारत सहित कई अन्य देशों के सैन्य खर्च में भारी वृद्धि हुई है। नेटो सदस्यों के सैन्य खर्च की बात करें तो 2023 में 31 नेटो सदस्यों ने $1,341 बिलियन का योगदान दिया है। अब नेटो देश पोलैंड नेटो प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर हथियारों की मेजबानी के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने इसी हफ्ते एक इंटरव्यू में हथियारों की मेजबानी करने की पोलैंड की इच्छा को दोहराया है। डूडा ने यह भी बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अमेरिका से अपने परमाणु शस्त्रागार का एक हिस्सा पोलैंड में तैनात करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे सहयोगी नेटो के पूर्वी हिस्से की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमारे क्षेत्र में न्यूक्लियर शेयरिंग के हिस्से के रूप में परमाणु हथियार तैनात करने का निर्णय लेते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। पोलैंड की इस योजना पर रूस ने चेतावनी दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने चेतावनी दी कि रूस पोलैंड में परमाणु हथियारों की विदेशी तैनाती को प्राइमरी मिलिट्री टारगेट मानेगा। रूस ने नेटो की न्यूक्लियर शेयरिंग अरेंजमेंट के किसी भी तरह के विस्तार को रूस को धमकी देने वाला माना है। रयाबकोव ने कहा कि अपनी धरती पर अमेरिकी परमाणु हथियारों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे पोलिश राजनेताओं को समझना चाहिए कि उस दिशा में कोई भी बदलाव पोलैंड को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि संबंधित साइटें निश्चित रूप से रूस का टारगेट बन जाएंगी। आपको बता दें कि रूस ने सिर्फ पोलैंड की योजना पर ही नहीं बल्कि उसने यूक्रेन को मिले अमेरिकी मदद पर भी नाराजगी जताई और उसकी निंदा की है। इस पूरे मामले में रोचक बात यह है कि रूस खुद 2 साल से भी अधिक समय से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकाल सका। इस बीच उसने अपने हथियारों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उन्हें अपग्रेड भी किया है और दुश्मन देशों को